तो क्या बिक रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। क्या है यार ये बदतमीज लोग। अरे रुको ना, कहाँ जा रहे हो? तो आज हम बात करने वाले 2020 में होने यकी जमा यकी साइलेंट गर्ल के बारे में। वीडियो दिखाने से पहले ही कह रहा हूँ, अपने अपने कानों में रुइयां डाल लो, हथौड़ा स्क्रीन प्लास वो भी उठा लो। वीडियो देखने के बाद तुम्हारे दिल में यही चाहत होगी, मेरे हाथ में कोई चीज होती मैं मार देता, जैसे साइलेंट गर्ल ने अपनी बवा सिर पेश की। इसी के साथ साथ एक साइलेंट बॉय ने भी विदेशी कीड़ों को फसलों में छोड़ दिया। चलो बच्चे शुरू करते हैं। तुम लोग मेरी वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। तुम लोगों के पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करने में, तो बताओ मुझे। तो भाई कर दिया करो ना सब्सक्राइब मुझे। जब तुम लोग बगैर सब्सक्राइब करे मेरी वीडियो देखते हो ना, तो ऐसी फीलिंग्स आती है इसने मेरी पप्पी ले ली और पैसे भी नहीं दिए। तो खैर छोड़ो, आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक पे बच्चियों की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई जिस प्लेनेट का एलियन गुम हो चुका है वो आके ले जाए, उसके स्पीकर वाले नाम उसका साइलेंट गर्ल। अभी तक तो यही देखते हैं स्पेशल पर्ल पापा की परियां, अब तो साइलेंट गर्ल। गर्ल नाम नहीं मियां जी, ब्रांड है ब्रांड बाबा जी। नाम तो चलो समझ आती है, अब तो ये ब्रांड बन गया है। कल को आपको अंडरवे ब्रा पारी गुटका और नस्वार भी मिलना शुरू हो जाएंगे। हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो इसको प्राइम मिनिस्टर जरूर बनाना चाहिए। जरूरत नहीं है मियां जी, लोग तो मेरे नाम से चलते हैं बाबा जी सियालकोट। भाग यहां से बड़ी की। ये दाढ़ी बड़ी अंकरी चीज है, वो कहते रहे ना जब बराबरी ना हो सके तो बदनामी शुरू करते हो बाबा जी सियालकोट। आहा की एक अच्छी बात ये है कि एक बवासीरी कीड़ा आता है, चुल मचाता है और चला जाता है। कीड़ा टिकटॉक पे ज्यादातर टिकता भी नहीं है। ये साइलेंट गर्ल है, इससे पहले एक हस्ती बकरा हुआ करता था। हेल्प 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 हेल्प। और एक वो रूह अफ़ज़ा में डूबी हुई ऐनक पहनने वाला। रूह अफ़ज़ा से याद आया, अली हैदराबादी क्या कर रहा है आजकल? यार अली खान मैंने सुना तुझे प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। मुंह चलो। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं आप लोगों की अपनी साइलेंट गर्ल। आज जो मैं चॉकलेट खा रही हूँ पूरे 1 अरब की है। 1 अरब की शक्ल धोके आओगे फिर भी नहीं मिलेगी। 1 अरब की है भाई, का मतलब तो तुम समझते हो ना, वो जो दुबई में होती है शेख अरब, ये उसकी चॉकलेट है। कुछ लेना ही था तो शालीमार में फ्लैट मांग लेती, ज्यादा से ज्यादा आईफोन 12 मांग लेती। इन्हें अरब से चॉकलेट मिली है। और ये जो इसने कहा है ना मुंह धोकर आओ, तो सबको पता है कि मुंह धोने से चॉकलेट नहीं मिलती। ये समझो कि टिकटॉक के घर में पड़ी हुई हर चीज एंटिक पीस है, चॉकलेट हो या परफ्यूम। बोला था ना टिकटॉक का हीरो कौन? यूसुफ पठान। टिकटॉक पे राज करेगा कौन? यूसुफ पठान। टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद क्वीन, और उसके बाद हाजिर है टिकटॉक का जेनविन शेफर्ड कुत्ता। हीरो होते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है इन बी ग्रेड मूवी में तुम्हें कटिंग का रोल दिया जाएगा, होती सी ग्रेड मूवी में तुम्हें हीरो बना दिया जाएगा। हीरो के साथ कोई हीरोइन नहीं रखी जाती, हीरो से अपना नाड़ा तो संभाला नहीं जाता। देखिए क्या घंटा संभालेंगे ये। हीरो को ड्रिप और कैल्शियम की जरूरत होती है। बाजार में लोगों के बच्चे गुम हो जाते हैं या किसी का कारी साहब गुम हो गया। टिकटॉकरों ने टिकटॉकरों की सही बुंडली हुई है। एक तरफ साइलेंट बॉय है जो साइलेंट होने का नाम नहीं लेता, और एक तरफ मौलवी है जिसे कटवाने का बहुत शौक चढ़ा है आजकल। तो कहता हूँ सब मौलवियों की एक अलग वीडियो बनाई जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मेरी गाने की शूटिंग है तो मैं रेडी हुई हूँ। तो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हूँ बताना नहीं। और मेरा सॉन्ग आ रहा है, आप सबने देखना है, लाइक भी करना। एक बात समझ में नहीं आती, लड़कियों के सूटों के इतने अच्छी अच्छी डिजाइन होते हैं, लड़के को सूट पहनने का क्या मकसद? अभी हमें देखा है ब्रा पैंटीस पहने हुए। ओहो कभी कभी हो जाता है। ये चूसी हुई गुठली क्या कह रही है? सॉन्ग आ रहा है आप सबने देख। ओए होए गाना आ रहा है, गाने पे भी एक बार नजर मार लेते हैं। भाई गाने का नाम है ठोक ठोक, और आवाम ने थूक थूक के डिसलाइक का दूसरा रिकॉर्ड बना डाला है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड तो एलेक्स भट्टी साहब के पास है। चलो भाई। यार वो देख उधर, तुसी की कहंदे हो तुहाडा टब्बर बड़ा होशियार है। त्रिको साइलेंट गर्ल दी एक मैगजीन दी मारे बाबा जी सियालकोट। सियालकोट भाई सॉन्ग शुरू होता है साइलेंट गर्ल की एंट्री से, और फिर ये कराएगी होंडा से निकलती है। भाई दो ठरकी लोंडो की इस पे नजर पड़ जाती है। साइलेंट गर्ल नहीं है। भाई कोई रीटेक की भी कोई चीज होती है, इनके हिसाब से तो हॉलीवुड की मूवीज भी टिकटॉक पे बनती है। तो भाई फिर ये दो लोग जाके अपना इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हाँ जी किताओ, कौन है तुम? ए हन्नो है। कौन है तुम? मैं डीजे शमस सिंह। ओ गाने लिखते हो, हो जाए मेरे शरीकों के लिए एक गाना। तुम्हारे शरीकों को तो हम ठोक ठोक रखेंगे, ठोक ठोक। ये तो शुक्र है भाई साहब ने अपने आप को सिंगर राइटर और डीजे ही बोला, यहाँ पर एक्टिंग की तो डीजे शमस। तो भाई साहब का गाना यहाँ से शुरू होता है।
सबको काला कुर्ता पहनने को कहा था तो शमी डीजे के पास काला कुर्ता था नहीं। महीने से ना धुली हुई शर्ट और लंडे का 200 रुपए वाला ट्राउजर गैर मुंह धोए डीजे शमच को एंट्री करनी पड़ी। उसके बाद इसके जिम्मे था कि सबको कुर्ते ला के देने। इस भाई साहब को मैसेज आया कि 2 घंटे के लिए गाड़ियां किराए पे ली थी, अभी तक आए क्यों नहीं। तो ये भाई साहब भी क्या करे, साइलेंट गर्ल और डीजे शमच की क्या खत्म हो तो गाड़ी वापिस करेगा ना। 80 रुपए की पिस्तौल लेके स्नैपचैट से पिक खींच के फेसबुक पे डीपी लगा के किलर बॉय का खिताब लिया करते थे। हाँ तो ऐसे ही है जैसे WM अमेरिका से रिपोर्ट करवाई हो। तू रोक रोक रखे आवे डीजे शमा सुनू, तू कुछ भी ना दसेया, तेरे वैरी सी जीने भी तेते पाई। मुझे पूरे गाने से कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक्टिंग, कास्टिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक, लिरिक्स, एक्टर, सॉन्ग राइटिंग और नाम के अलावा सब कुछ फिट है भाई। आने की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा कि लोग हमेशा टट्टी करने सुनसान जगह पे जाते हैं। गिदरा तू शेर डकी नहीं जाते, अज दिल विच होण गुस्से ते दसी नहीं जाते, जिथे भी जगह मिले टट्टी नहीं करते। तो भाई मैं तुम्हें पूरा सॉन्ग सुना के तुम्हारा टाइम जाया नहीं करूंगा। साइलेंट गर्ल को अपने हाथ हिलाने और डीजे को अपनी गांड हिलानी है, क्योंकि हिलाने के लिए कुछ था नहीं, हिलाने के लिए पिस्तौल और हथौड़ी पकड़ा दी गई है। कितना लगा साड़ा गाना, लाइक कमेंट करके जरूर दसिएगा। चलो मेरे लड़े थे। तो भाई लाइक्स मारो और पहले से नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करो लाइकन के साथ, समझ रहे हो ना। अगर सब्सक्राइब किए बगैर किसी ने वीडियो देखी ना मैं गोली मार दूंगा। अच्छा हमको सिखा रिया है। कदी मारे यानी हक, कदी पाया नहीं फसा, खुश रहते मेरे लोग, खुश हैगा मेरा बाप, तेरी छोटी हैगी सोच, कर अपना हिसाब, अपना हिसाब, मेहनत आए सब, मेहनत आए, मैं हथे आया आप, असी देने प्यार।